हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हम बताने वाले हैं आपको कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023 विषय अंग्रेजी का आपका 100% रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, सेट ए कक्षा 11वीं सब्जेक्ट इंग्लिश अंग्रेजी का बिल्कुल 100% रियल पेपर 2023-24 त्रैमासिक परीक्षा। ठीक है, तो पेपर आपका जो है 3 घंटे मिलेंगे पेपर के लिए, और आपका पेपर जो है 80 नंबर का आएगा। बिल्कुल 100% आपका क्या हो चुका है, रियल पेपर आ चुका है मेरे पास। और हम आपको जो है इस वीडियो में पूरा पेपर बताने वाले हैं। ठीक है, पूरा पेपर बताने वाले बिल्कुल क्या 100% रियल पेपर। ठीक है, 100% रियल पेपर आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल जो है आपको जो 9 बजे जो है पेपर लीक हो चुका है, रात के 9 बजे कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो चुका है मेरे पास आ चुका है। और हम पूरा जो है आपको रियल पेपर बताने वाले हैं सेट ए। ठीक है, सेट से आपको कुछ नहीं करना, सेट ए बी सी जितने भी सेट होते हैं सभी में क्वेश्चन सेम होते हैं, बस क्रमांक बस बदले होते हैं क्वेश्चन, यही जो है आपको सभी पेपर में देखने को मिलेंगे। बिना देरी करे वीडियो को हम करते हैं शुरू। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले जो है फोटो थोड़ी जो है ब्लर आई है, आप लोग जो है थोड़ा एडजस्ट कर लेना, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना। ठीक है, हम जल्दी जल्दी जो है इसके बिल्कुल साफ पूरा साफ पेपर लेकर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर एक जो है पैसेज है, जो कि आपका 10 नंबर का पैसेज है। ठीक है, तो आप इस पैसेज को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी हम इसकी जो है बिल्कुल साफ पूरा पेपर आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, वेल नोटिफिकेशन को जो है ऑल पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, वेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जैसे ही हम जो बिल्कुल साफ पेपर की वीडियो बनाए तो आपको तुरंत मिल जाए, आप तुरंत पूरा पेपर देख लें और जो है अच्छे नंबर ले आए क्लास में, जो है अंग्रेजी के पेपर में टॉप करें। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे पहला है योगा टीच्स अस द ब्लैंक ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद दूसरा है राइट अ सिमिलर मीनिंग फॉर डेमाइस। ठीक है, फिर इसके बाद जो है तीसरा नंबर का है सर जगदीश सी बोस ऑब्जर्व्ड ब्लैंक। तो आपको इसका राइट आंसर देख लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है चौथे नंबर का प्रश्न है द स्पेक्ट्रम ऑफ वी इन क्लट्स। तो इसका आपको राइट आंसर देख लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है पाँचवा है वॉट इज़ द एंटोनमी ऑफ एरोजेंस। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लीजिए, ये थोड़ा आपका पैसेज है। ठीक है, इसके बाद आगे के क्वेश्चन ये है, देख लीजिए आगे के क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये जो है आपके 10 क्वेश्चन है। इसके बाद जो है प्रश्न दूसरा है, प्रश्न क्रमांक 2 है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्रहेंशन ऑफ द पैसेज एंड गिव अ सुइटेबल टाइटल। ठीक है, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, ये जो आपका पैसेज है देख लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है सेक्शन बी आ जाता है रेटिंग। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, और इसका अथवा वाला प्रश्न है। फिर इसके बाद जो है अगला प्रश्न है 14 नंबर का। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, पूरा जो है पेपर आपके सामने जो है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, प्रश्न 4, प्रश्न 5। ठीक है, फिर इसके बाद जो है प्रश्न 6 से जो है सेक्शन सी आ जाता है ग्रामर। ठीक है, सेक्शन सी आ जाता है ग्रामर, 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस करेक्ट करेक्शन फिल अप्स एनी 5, आपको कोई 5 करने हैं। ठीक है, तो देख लीजिए पहला जो है पहला वाला ये है, देख लीजिए पहला वाला ये है। फिर इसके बाद जो है यहाँ से दूसरा आ जाता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये छठवा, और आपको कोई 5 करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है डूज डायरेक्टेड, कोई 5 आपको करने हैं। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न है। तो देख लीजिए पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा और ये छठवा। ठीक है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा और ये छठवा। इसके बाद सेक्शन डी आ जाता है टेक्स्ट बुक। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको पढ़ के जो आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो देख लीजिए प्रश्न है, ये पहला वाला प्रश्न है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, और इसके बाद जो है चौथा वाला प्रश्न है, इसके बाद जो 5वीं वाली की फ़ोटो नहीं आ पाई है। ठीक है, 5वीं वाली 5वां वाला ये प्रश्न है। ठीक है, 5वां देख लीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसके बाद जो है 9वें का जो है
आठवीं के बाद जो है नौवीं का ए वाला जो है क्वेश्चन की फोटो नहीं आ पाई है, नौवीं का बी वाला प्रश्न है, देख लीजिए इसको, ये थोड़ा साफ है, ठीक है, ये इसके क्वेश्चन है, ठीक है, देख लिए ना, 4 नंबर का प्रश्न है। फिर इसके बाद जो है आगे के प्रश्न की फोटो अभी हमने जो है नहीं खींची है, ठीक है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और हम आगे की प्रश्न की जैसे वीडियो बनाएंगे तो आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से आपको पूरा पेपर कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल ये आपका क्या 100% रियल पेपर है, ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, आपको कल यही पेपर देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।